व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू द पोएट पॉडकास्ट, फर्स्ट एपिसोड। और पहले एपिसोड में हमारा बजट इतना जबरदस्त था कि हमारे पास सीधे मनोज मुंतशिर साहब आ गए और वो ठीक है। तो पोएट पॉडकास्ट दरअसल यही है कि हम पोएट्री एक गहरा आर्ट फॉर्म है, बट हम बहुत लाइट हार्टेड बातें करेंगे। हमारे पास एक सेलिब्रिटी राइटर स्लैश पोएट स्लैश लिरिसिस्ट होंगे, उनके साथ राहत जी होंगी ऑफ कोर्स, जिनको पोएट्री का इतना नॉलेज है, और दो लोग मतलब बदलते रहेंगे क्योंकि हमें सिर्फ सुनने का शौक है देखा जाए तो। तो मनोज जी, मैं बेवकूफी वाले बातें करूंगा, ये लोग दोनों बहुत अच्छी अच्छी बातें। नहीं, आपकी बातें तब शुरू होंगी जब पहले ना मुझे वो जो चेक आपने इशू किया था मुझे वो क्लियर होने वाला है। मुझे जैसे ही बैंक से कॉल आएगी, बजट बहुत था इनके पास। मनोज, आप तो पैसे लेते नहीं, आप तो यारों के लिए फ्री में काम करते हो। ये अफवाह है। नहीं, हकीकत है, अफसाना नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है और इस झूठ ने मेरा बड़ा नुकसान किया है। मुझे आपसे ये पूछना है, सबसे पहले तो एक नॉर्मल क्वेश्चन जो एक एस्पायरिंग यंग राइटर के दिमाग में आता है कि क्या पोएट्री लिखने के लिए मेरे 3-4 अच्छे खासे ब्रेकअप होना जरूरी है? यार देखो, अगर दिल टूटने से पोएट्री लिखी जाती तो 6 बिलियन इस मुल्क, इस दुनिया की आबादी है, 6 बिलियन पोइट्स होते हैं, ऐसा कोई आप ढूंढ के ला नहीं सकते। ऐसा कोई इंसान जो जीता है, जागता है, सांस लेता है, खाना खाता है, बाथरूम जाता है, घूमता है, फिरता है, सांस लेके, जिसने इश्क नहीं किया, वैसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ है। क्योंकि इंसान होने की पहली शर्त यह है कि आपको इश्क तो होना ही चाहिए, और जब इश्क होगा तो सब कुछ हॉन्की डोरी कभी रहता नहीं है, दिल बाकायदा टूटता है। तो क्योंकि मुझे लगता है गिनती के मुट्ठी भर पोएट्स हैं यहाँ ढंग के, तो इसका मतलब दिल टूटना पोएट्री की शर्त कतई नहीं है। शर्त नहीं है, कोई बात नहीं, शर्त नहीं, पर मेरा, मेरी वैसे भी नहीं हो सकती। मेरे जो ब्रेकअप्स हुए यूजुअली बहुत कॉमेडी हुए, तो मैं पोएट्री नहीं निकाल सकता। कितने ब्रेकअप्स हुए? मेरे 3-4 हुए अब तक, लेकिन बहुत कॉमिकल। और आपकी उम्र क्या? 25। 25 में सिर्फ 3-4 हुए? बहुत मेहनत, सिर्फ 3-4 हुए, बहुत मेहनत करनी है आपको। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू। मैंने करना चाहा लेकिन मेरे मम्मी पापा उतने सपोर्टिव नहीं। मतलब अच्छा, पाबंदियां कब होती हैं? जिसको लिखना है उसका दिल टूटना जरूरी है क्या? ये दूसरा, प्यार करना जरूरी है, दिल टूटना जरूरी है ये नहीं है, पर प्यार करना जरूरी है। अगर आप प्यार ही नहीं करते हैं, वो पहली शर्त है, तो आप किस बारे में लिखेंगे? लेकिन मनोज ये बताओ, कितने इश्क हुए तुम्हारे? अब ये कमाल कर रही है, अब ये बताने की चीज है कोई? अरे वो भी सरेआम, सरेआम बताने की। लाखों हैं जिन्हें देख के दिल भरता है आहें, ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहिए। वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। पिघले हैं बदन कितने ही आगोश में आके, खत आए गए कितने किताबों में छुपा के, छोटे हैं कई लम्हे मगर यादें बड़ी हैं, तस्वीरें कई आज भी सिरहाने पड़ी हैं। क्या बात है, क्या बात। 2, 4, 6 या 10 की ये तादाद नहीं है, कितने हैं मिटे हम पे हमें याद नहीं है। अरे वाह, एक साल में कितने गाने लिखे थे? 112। नहीं, वो तो बड़े प्रोफेशनल इश्क थे, वो तो मैं अगर आप लोग को देख रही हूँ बात करते हुए, अब तो आधा इधर जा रहा है इधर यू, तो वो इंटिमिडेशन से कैसे बाहर निकल सकता है आदमी? क्योंकि पोएट्री अगर इंटिमिडेटिंग है ना, तो ये शायर की कमजोरी है। जिस शायर के पास कहने को कुछ नहीं होता, वो बड़े बड़े शब्दों के पीछे छुप जाता है। आप अगर मेरे गाने उठा के देख लें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, लेकिन मैं ये तो दावे से कह सकता हूँ कि मैं हमेशा समझ में आया हूँ। मेरा एक भी गाना, वो चाहे गलियाँ हो, चाहे तेरे संग्यारा हो, चाहे कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, चाहे तेरी मिट्टी हो, चाहे कबीर सिंह के क्या था वो कैसे हुआ, मेरे गानों में एक सिंप्लिसिटी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कहने को कुछ है और मुझे एक फसाद खड़ा करने की ज़रूरत नहीं आगे कि उसके पीछे छुपो, तो मैं कभी इंटिमिडेट नहीं करता। अगर बॉलीवुड में ना काम करना तो फिर कोई शायर की कोई फ्यूचर है? That's a very good question. Open mics. मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, मैं बताता हूँ। जिसमें वो पैसे कमा पाए? नहीं, मुझे लगता नहीं कि ओपन माइक से पैसे कमा सकते हैं। Exactly. नहीं, नहीं कमा सकते, वो तो कोई चांस ही नहीं है। दोनों का देखिए, ये वो देश है जहाँ हमने सच्चिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे, जहाँ हमने सुदर्शन फाखिर, जहाँ हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे लोगों को भूखों मर लिया। ये लोग कोई दवा की अभाव में मर गया, किसी के पास खाने को पैसे नहीं थे। इस तरह से हमने इस देश के सबसे बड़े पोएट्स को गुड बाय कहा है। तो आज अगर मनोज मुंतशिर कहता है कि नहीं, अगर मुझे 25 लाख नहीं मिलेंगे तो मैं फिल्म नहीं करूंगा, तो वो मेरा बदला है उनसे, वो इंतकाम है कि तुमने जो हमारे लेजेंड्स थे उनको 10 रुपये लायक नहीं समझा, जिनके आगे मनोज मुंतशिर जैसे सैकड़ों कुर्बान, जैसा वो लिखते थे वैसा हम कभी लिख ही नहीं पाएंगे। बट क्योंकि हमारे नाम से 10 हिट फिल्में हैं, हमारा एक रिपोर्टायर है, हमारी एक फिल्मोग्राफी है, तो तुम हमें पैसे देने को तैयार हो, तो ठीक है हमें फिर उतने पैसे दो जितने कभी किसी ने नहीं लिए होंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब आप सिनेमा में आते हैं, दिस इज द ओनली, अनलेस यू एंटर बॉलीवुड, अनलेस यू राइट फॉर फिल्म्स, यू कैन नॉट आस्क फॉर मनी।
आपको हक ही नहीं है, इस देश ने हक ही नहीं दिया, क्या करोगे आप? किताबें लिखोगे, ठीक है, कितनी बिकेगी आपकी रॉयल्टी, कितनी आएगी आपको? 10% आएगी रॉयल्टी। बेस्ट सेलर है मेरी, मेरी फितरत है मस्ताना, तकरीबन 10,000 कॉपी बिकी है, 10,000 कॉपी का अगर 10% हम जोड़ लें तो इतना भी नहीं होता है कि मेरी एक महीने की ईएमआई जाए। करेक्ट। तो क्या करेंगे आप किताबें लेके? और हर किताब बेस्ट सेलर नहीं होगी, ये बेस्ट सेलर है तो ये हालत है। ब्रेक मिलना इतना आसान है बॉलीवुड में? नहीं, तो ब्रेक मिलना आसान नहीं है, उसमें दो तरीके हैं। पहली चीज तो ब्रेक मिलना आसान नहीं है, दूसरी बात ये कि आप सिर्फ एंथुजियाज्म के मारे ना चले आए बॉलीवुड में, आपकी तैयारी है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि एक मेडिकल के लिए आप 12 साल तैयारी करते हैं, आप IIT में जाते हैं, इतनी लंबी आपकी तैयारी होती है, आप सर खपा देते हैं थ्योरम्स रट रट के पाइथागोरस की। आपने क्या पढ़ा है, आपको क्या पता है शायरी के बारे में? यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। डू योर होमवर्क फॉर एटलीस्ट 5 to 6 years। 5-6 साल बाद जब आप तैयार होके आएंगे ना, मुझे याद है मैंने अपने शुरुआती दिनों में मेरी जो मुलाकात हुई थी उनमें से बच्चन साहब से मिला था मैं, एंड ही गेव मी KBC टू राइट। फुटपाथ से मैंने KBC लिखना शुरू किया था। तो अमिताभ बच्चन को आप कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, किस चीज़ से? जाहिर सी बात है कि जो आपका हुनर है उस पर कुछ तो बात होनी चाहिए। आई वॉज विद हिम फॉर 10-15 मिनट्स और उन्होंने 10-15 मिनट में एक ही कमेंट किया था कि तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी है, और मैं वहाँ से उठ के बस पकड़ के चला आया था। फिर मुझे मैसेज आया दैट ही हैज़ लव्ड योर वर्क एंड वेलकम ऑन बोर्ड योर राइटिंग KBC। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स बिगिन। मेरी तैयारी थी, मुझे कभी वो अंडर कॉन्फिडेंट था ही नहीं मैं इस बात के लिए। मुझे पता था तुम जितना मुझसे सवाल पूछ सकते हो उतने ज़्यादा मैं जानता हूँ, बिकॉज मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ इस पर। आज जो प्रॉब्लम है, आज जैसा ओपन माइक का आपने जिक्र किया, ओपन माइक जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इनको सिर्फ 4 तालियों ने ये बता दिया है कि ये पोएट हैं, और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बड़ी खराब चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। तो ये ओपन माइक में एक कंट्रोवर्सी भी आई है ना कि दिल्ली का ओपन माइक और बॉम्बे के ओपन माइक, दोनों में जमीन आसमान का फर्क, क्योंकि बॉम्बे में लोग पढ़ते नहीं है। बहुत बड़ा एक जो चीज़ है वो ये है, दिल्ली वालों में फिर भी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई बाकी है, दिल्ली में फिर भी पोइट्री का माहौल है। आप इस बारे में तजुर्ब करेंगे कि मैं हर महीने कम से कम 4 बार दिल्ली जाता हूँ, बिकॉज फॉर डिफरेंट इवेंट्स, फॉर डिफरेंट, कभी IIT में, कभी IIM में, कभी जश्न रेखता, कभी ये, कभी वो। दिल्ली मुझे बाकायदा बिजनेस टिकट देके, मुझे मेरे मैनेजर को 5-star suite देके और बहुत सारे पैसे देके मुझे महीने में 4 बार बुलाती है, और मैं जिस मुंबई शहर में रहता हूँ यहाँ आज राहत आई है, वरना मुझे कभी कोई यहाँ बुलाता ही नहीं, 10 रुपये भी देके कोई नहीं बुलाता। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है, आप यहाँ इज्जत नहीं करते हैं पोइट्री की, वहाँ पोइट्री की इज्जत है, वहाँ पोएट्री और सुनना सुनाना एक परंपरा है, वो ट्रेडिशन यहाँ है ही नहीं, मिसिंग है टोटली। यहाँ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ रोड रैश नहीं होता दिल्ली की तरह, और दिल्ली की तरह यहाँ एक्चुअली हमारा जो हमारा इकोसिस्टम, वो एटमॉस्फेयर है, वो दिल्ली से काफ़ी ठीक है। हमारे यहाँ लेड की गिनती कम है, वहाँ लेड बहुत ज़्यादा है, वहाँ औरतें ज़्यादा सुरक्षित हैं, यहाँ औरतें बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं मुंबई में, बट पोएट्री मुंबई में सुरक्षित नहीं। आप कभी, मतलब आपके दौर पर मुझे पता नहीं ओपन माइक से, यानी आप कभी ऐसा गए हो कभी ओपन माइक? नहीं, मैं ओपन माइक में कभी नहीं गया क्योंकि तब इतना एक्सपोजर भी नहीं था। लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी चीज़ फॉर्मूले से लिखी जाती है वो ख़राब होती है। अगर ये फॉर्मूला है तो मैं बिना सुने बोल रहा हूँ कि वो ख़राब है, क्योंकि कुछ आपके दिल से नहीं आया है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि आप सुबह उठे हैं आपको कहीं कुछ कचोटी है कोई चीज़ और आप लिखना चाहते हैं। मतलब आज के तारीख में जो वाकई में शायर है, जो अपनी जिंदगी की रोजी रोटी अपनी शायरी से करना चाहता है, उसके लिए फिर क्या सलाह दोगे आप? लफ्ज अनमोल हैं, हमको भी है खबर, इस तिजारत का अफसोस भी है, मगर और कुछ भी नहीं बिक सके जो कहीं, पेट भरने को बस शायरी रह गई। तो अगर आपके पास भी मेरी तरह पेट भरने को बस शायरी है, मैं सीधी सी एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि आप सोचें और मेहनत करें कि फिल्मों में कैसे लिखा जा सकता है। आप उस आर्ट को मास्टर करें, आप आएँ, स्ट्रगल करें। अगर आपको शायरी ही करनी है तो यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। बाकी जो भी तरीके आपको बताए जा रहे हैं सब झूठ हैं। ये मैं तो ये जितने ओपन माइक्स हैं या जितनी भी महफिलें हैं, इनमें जो शायरी होती है, ये शौकिया है, इसे आप अपनी कमाई का, अपनी चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। मतलब आप तो इनफैक्ट अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर वो भी तरीका अच्छा है कि आप कुछ और करें, आप IAS ऑफिसर हैं, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप शायरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप सिर्फ शायरी कर रहे हैं तो सिर्फ फिल्मों में हो सकती है, कहीं और नहीं हो सकती। तो जब नया कोई शायर होता है उससे इनसिक्योर होता है क्या? मतलब मैं ये सवाल पूरा तब करूँगी, पार्थ हैं हमारे हमारे टीम में काम करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े शायर भी हैं, मेरे हिसाब से बड़े हैं, क्योंकि मेरे से बेहतर शायरी ये करते, लिखती मैं भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो लिखते हैं इसका एक मकाम है, मैं जो लिखती हूँ वो दिल की बात लिखती हूँ, पर ये जो लिखते हैं अच्छा लिखते हैं। पार्थ पहले तुम सुनाओ मुझे, फिर मैं पूरी बात करूँगी। बहुत मुश्किल सिचुएशन में हूँ मैं, इसके बाद में ओपन माइक में मुझे कोई लेगा या नहीं लेगा मुझे पता नहीं। सुनाओ पार्थ। अर्जुन मछली की तीर पर निशाना मारो, मछली की आंख पे। देखिए कभी कभी
हो जाता है. तो मैं ख्याल लिखता हूँ, वैसे मैं बेबहर लिखता हूँ, इसलिए मैं ख्याल बोलता हूँ उसको. और बेपरवाही हंसने का मन छीन लिया, बेपरवाही हंसने का मन छीन लिया, बेपरवाही हंसने का मन छीन लिया, वक्त ने जाते जाते बचपन छीन लिया. वाह. बेपरवाही हंसने का मन छीन लिया, वक्त ने जाते जाते बचपन छीन लिया, शहरों ने क्या हाल किया है रिश्तों का, हाल किया रिश्तों का, शहरों ने क्या हाल किया है रिश्तों का, हर घर के आगे से आंगन छीन लिया. ब्यूटीफुल. और आपने क्या कहा, ये बहर में नहीं है, ये बाकायदा बहर में. किसने बोला बहर में नहीं है? अच्छा, ये बहर में, ये चारों जो आपने मिसरे पढ़े हैं चारों बहर में, इसमें एक भी गलत नहीं है. अगर आप ये ले जाकर जिगर मुरादाबादी को भी दे देंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई गलती है. तो मैं बोल सकता हूं ये गजल के शेर है, ये गजल के शेर है, ये दोनों गजल के शेर. इरशाद आ गया क्या? नहीं, मैंने ये तो लिखे और दो तीन ख्याल कुछ ऐसे लिखे थे कि मानो कोई कीमती गहना रखा है, मानो कोई कीमती गहना रखा, एक छुपा कर मैंने लम्हा रखा है. वाह. मानो कोई कीमती गहना रखा है, एक छुपा कर मैंने लम्हा रखा है, तारे एक ही जैसे भरकर रातों में, तारे एक ही जैसे भरकर रातों में, तारे एक ही जैसे भरकर रातों में, किसने चांद को तन्हा तन्हा रखा है. ये भी गजल के शेर है, प्रॉपर गजल के शेर. आप सच बोल रहे हैं आप? मैं झूठ कभी बोलूंगा नहीं, वो भी कैमरे के सामने. ये बाकायदा फाइलातुन में है और इनमें रदीफ और काफिया भी एकदम दुरुस्त है सब में. मैंने जब इन्होंने मुझे सुनाया था तो मैंने कहा देखो तुम्हें शायद मेरी बात पे यकीन ना है, लेकिन आज मैं मनोज जैसे बोलूंगी कि आप सुने और बताएं मुझे. मैं पहली बात एक बात बताऊं, आपने जो पढ़ा है ना, आपने जो अभी शेर सुनाई मुझे, मैं ये बात बगैर आपकी ज़िंदगी में झांके कह सकता हूँ कि आप पढ़ते हैं जी. अगर आप नहीं पढ़ते आप ये नहीं लिख सकते. तो पहली तो शर्त यही है कि अगर ये जो मीटर है जिसको तवाज़ुन कहते हैं या वज़न कहते हैं, ये वज़न आपके, क्योंकि अब चलो मैंने ये मान लिया कि फ़ाइलातुन की ट्रेनिंग हर कोई नहीं ले सकता कि फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन मफ़ाउलुन फ़ाउलुन, ये क्लासिक तरीके हैं तो लिखने के, आप कोई नहीं करता उसे. फिर भी आपके दिमाग में एक वज़न तो होना चाहिए. हाँ. और वो वज़न कब आएगा? जब आपने 2000 गज़लें पढ़ ली होंगी. पढ़ ली हूं. तो अपने आप आ जाएगा फिर वो. तो इनके दिमाग में वो अपने आप, इनको पता भी नहीं है पर ये मीटर में लिख रहे हैं, इनको पता भी नहीं है पर इनका एक एक रदीफ और एक एक काफिया, कम से कम जितने मैंने सुने, मैंने आपसे चार शेर सुने अभी, तो ये चारों शेरों के रदीफ काफी सब दुरुस्त हैं. आपका सवाल ये था कि इनसिक्योरिटी होती है क्या? इंस्पिरेशन मिलता है, इनसिक्योरिटी नहीं होती. जब कोई अच्छा सुनाता है तो खतरनाक तौर पर इंस्पायर होता हूँ मैं. पहली बात, इनसिक्योर कब होता हूँ? जब मुझे अपनी कलम की धार कम लगती है कभी. तो राइटर्स ब्लॉक जैसी कोई चीज है? राइटर्स ब्लॉक भी एक बहुत बड़ा, राइटर्स ब्लॉक सिर्फ राइटर्स को नहीं होता. राइटर्स ब्लॉक एक ऐसा टर्म है जो दुनिया में हर किसी को होता है. क्या है वो? राइटर्स ब्लॉक ये है कि आज थॉट नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा. और ये होता है कभी कभी, वाकई ऐसा होता है कि 10-10 दिन कुछ अच्छा दिमाग में नहीं आता. लेकिन यहाँ ये वैसा है कि आपका फॉर्म टेम्प्रेरी होता है, आपका क्लास परमानेंट होता है. तो हमें तो अक्सर आउट ऑफ फॉर्म भी शॉर्ट्स खेलने पड़ते हैं. जब अब पता है हमें ब्लॉग है, हम इतना अच्छा नहीं सोच रहे अभी, फिर भी उसमें भी हमारे गाने हिट होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी है. क्योंकि ये पता है कि ठीक है, कोई बहुत अर्थ शैटरिंग थॉट नहीं आएगा पर खराब भी नहीं आएगा, ठीक ठाक ही आएगा. क्या आपको कभी किसी प्रोड्यूसर ऐसा बोला है कि यार ये तीन चार उर्दू वर्ड डाल दो यार, मजा नहीं आ रहा एकदम, मतलब कुछ बना दो इसको, भारी बना दो, कुछ एकदम मुख्तलिफ डाल दो इसमें, कुछ एक मुख्तलिफ, कुछ एक मैसर डाल दो, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला कभी किसी? अब प्रोड्यूसर ये बोलते हैं कि अगर इसमें ऐसा कुछ है तो निकाल दो. अच्छा अच्छा. क्योंकि उनको अपनी फिल्म का होराइजन बड़ा करना है, उनको उसकी रीच बड़ी करनी है. और जब भी आप कोई मुश्किल चीज़, अब आज के ज़माने में आप ये तो लिख नहीं सकते हैं कि हम हैं मताए कूच आओ बाजार की तरह उठती है और निगाह खरीदार की तरह. इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग बाय द वे, बहुत बड़ा हिट गाना है, लता जी का गाना है. पर आपको अब आज मैं लिखूं ये कि हम हैं मताए कूच आओ बाजार की तरह, मेरी जैसी शक्ल हो जाएगी, हैं हो जाएगी. और मेरे पास कूचे और बाजार में फिरने के लिए रिक्शे का किराया भी नहीं होगा. तो मुश्किल है. मैंने मुझे एक बात याद आती है लेकिन, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिद करते हैं और आपकी बात मान ली जाती है. मैं गाना लिख रहा था फिल्म रुस्तम के लिए, अक्षय कुमार. तो हम ट्यून पे ना अक्सर पहले डमी कुछ भी लिख लेते हैं. तो मेरे दोस्त हैं और को का म्यूज़िक था और मैं, तो ट्यून उन्होंने सुनाई और मैंने लिखा तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा. मैंने और को इसका, मैंने और को ये जर्द अभी मीटर के लिए रखते, फाइनल करते वक्त निकाल देंगे, जब अक्षय सर को सुनाना होगा या किसी को सुनाना होगा तब बदल देंगे. और को कह रहे हैं मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है जर्द आप. मैंने कहा यार ये कोई रखेगा नहीं, जर्द का मतलब दुनिया में किसी को नहीं पता. पर पहली बार ऐसा हुआ कि म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला कि अगर जर्द नहीं रहेगा तो गाना ही नहीं रहेगा. तो ही फॉट विद एवरीबडी टू जस्ट कीप दैट वर्ड, और वो वर्ड रह गया जर्द सितारा. मैंने इसलिए रहने दिया क्योंकि उसमें भी एक आर्ट है. जब आप कोई बड़ा वर्ड यूज़ करने वाले हों, मुश्किल, जो आपको पता है किसी को समझ में नहीं आएगा, तो मेक श्योर कि वो वर्ड समझ में ना आए पर लाइन समझ में आ जाए. जैसे तू रात दीवानी में जर्द सितारा,
तो आप जरा ना समझिए, फिर भी आपको रात और सितारा समझ में आ गया, तो रात है मैं सितारा हूँ, आपको बेसिक थॉट समझ में आ गया। तो इस तरह से वो वर्ड गया, और अगले दिन जब वो गाना रिलीज हुआ है, आतिफ असलम ने गाया था, अगले दिन जर सितारा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, बिकॉज एवरीबडी वॉज आस्किंग एवरीबडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर। तो समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपेंस कि एक मुश्किल वर्ड गाने को हिट करा देता है। मीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीटर का होना जरूरी रहता है पोएट्री में, पोएट्री में भी, फिल्मी गानों में भी, क्योंकि फिल्मी गाने इतने सिंपल नहीं होते, फिल्मी गानों में हमेशा एक तरह की फोनेटिक वैल्यू होती है। सो फिल्मी गाना इज मोर ऑफ अ साउंड। अभी कबीर सिंह का वो गाना था मेरा, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, अंतरा है उसका, मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था। तो जब विशाल जो इसके कंपोजर है वो जब कंपोज कर रहे थे, तो जब गा रहे थे मुझे बार बार लग रहा था कि इसमें था का अगर साउंड नहीं आएगा आखिर में तो बाकी कुछ भी खराब लगेगा, तो वो धुन सुनते सुनते आपको लगता है। सो यू हैव टू राइट समथिंग विच एक्चुअली मैचेस दैट फोनेटिक जो म्यूजिक डायरेक्टर के दिमाग में रही होगी धुन बनाते हुए। एक तो टिम्बर रहता है, एक तो गूंज रहती है हर शब्द की, वो पकड़ना होता है आपको। इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग ग्रेट थॉट्स। आज के ज़माने में हमसे उम्मीद की जाती है, आप ये देखें, आप कमाल की बात है कि राइटर्स की इस देश में इज्जत नहीं है, और राइटर्स से ये उम्मीद की जाती है कि वो पिक्चर को 18 करोड़ रुपए की ओपनिंग दिलाएं डे वन पे। उम्मीद इतनी है हमसे, उम्मीद इतनी है कि जरा आप एक गलियां लिख दोगे ना तो हमारी पिक्चर जो है वो 10 करोड़ से कम पे तो नहीं खुलेगी। लेकिन मनोज, जब ये फिल्मी गाने आप लिखने बैठते हैं तो क्या है, मतलब ब्रीफ क्या होता है आपका? मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जो ब्रीफ मिले। क्या ब्रीफ होता है कि या फिर आप लिख के ले जाते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं? फिर क्या गाना है तुम बनाओ? नहीं नहीं नहीं, फिर क्या मिलता है? ब्रीफ नहीं मिलती तो हम भी वेट कर रहे हैं। मैंने 300 के ऊपर गाने लिखे होंगे, 290 का एक ही ब्रीफ था, सर एक लव सॉन्ग दे दो सर सुपर हिट। पहले तो कहानी सुनाई जाती थी। अच्छा हाँ, मैं एक दिन आनंद बख्शी साहब के बेटे के साथ बैठा हुआ था, राकेश आनंद बख्शी, राकेश एक दिन पूछ रहे थे कि पापा ये गाने आप, ये उसमें तो बात ही नहीं है, आपका क्लास ही नहीं है इसमें। तो उन्होंने कहा देखो बेटा ऐसा है ना कि क्लास उन गानों में भी जो बहुत क्लासी थे उनमें मेरा क्लास नहीं था, उसमें मेरे डायरेक्टर का क्लास था। जो जितना ले सकता है मैं उसको उतना ही दे सकता हूँ। अगर आपका दामन ही छोटा है तो मैं आपको दे, क्योंकि आप फिर बाउंस कर दोगे। जहाँ मैंने आपको कोई गहरा थॉट दिया पर आप इंसान ही छिछले हो, आपके पास वो रेंज ही नहीं है, तो आप वो रिजेक्ट कर दोगे, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जो अपने घर का किचन चलाना है वो मुश्किल में आ जाएगा। तो आई विल मेक श्योर कि अच्छा आपकी इतनी जहनीयत है आपको मैं इतना ही दूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। पर आज के दौर में तो डायरेक्टर्स की से भी थोड़ी कम ही है, स्टार्स की से ज़्यादा है। नहीं, फिलहाल स्टार्स की से म्यूजिक में कभी कभी होती है, ये भी अफवाह है कि हर गाने में कोई स्टार घुसता है, ऐसा नहीं होता। स्टार इनफैक्ट तब घुसता है जब गाना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे अभी मुझे याद है कि मैंने तेरी मिट्टी जब लिखा केसरी के लिए, तो अक्षय वॉज लाइक सो इन्वॉल्व्ड इन इट, विद एवरीथिंग ही वॉज इन्वॉल्व्ड बिकॉज ही लव्ड इट। तो वो कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो हमेशा वेलकम करता हूँ कि भाई आप बता दो कैसे, आई वेलकम दैट इन्वॉल्वमेंट। अनलेस तुम जबरदस्ती सिर्फ इसलिए टू जस्टिफाई योर स्टारडम यू आर इंटरफेयरिंग विद द सॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। बट अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है तो वैल्यू एडिशन जहाँ से भी आए अच्छा है यार, मेरा ही फायदा है उसमें, क्योंकि गाना थोड़ी शाहिद के नाम से जा रहा है, गाना मेरे नाम से जा रहा है। मुझे याद है जब धर्मा के लिए जो पिछला गाना किया तेरी मिट्टी, तो उसमें अनुराग जो हमारे डायरेक्टर थे केसरी के, सो ही जस्ट ही गेव अ वेरी ब्यूटीफुल रेफरेंस, ही टोल्ड मी मनोज जी वो आपने सुना है कर चले हम फिदा, मैंने कहा हाँ, बोले समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एंड इट हैपेंस टू बी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो तेरी मिट्टी कुछ मिलता नहीं लगेगा आपको, पर बेसिक फेवरेट शायर का जिक्र कर दिया, कैफी साहब का है वो। आप देखें ना कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, ये थॉट, इससे बड़ा कुछ थॉट ही नहीं आया होगा पिछले कई सदियों में। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। वाह क्या बात है, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बेसिकली ये गाना भी वही था कि सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है। क्या बात है, क्या बात है। कोई भी, मैं और आप, हम सब का एक दायरा है, छोटा सा दायरा है। ये छोटा सा दायरा बड़ा कब होता है? जब कुछ इनका भी ले लिया, कुछ आपका भी ले लिया, कुछ इनका भी ले लिया। ये आपको शुरू करना पड़ेगा, यू हैव टू बी लाइक ए मैग्नेट, कि जो अच्छी चीज कहीं से भी आए हमसे चिपक जाए। तो फिर इसी बात पे मुझे बताइए, अपने आज के दौर में कौन सा लिरिसिस्ट का काम आपको बहुत ज्यादा पसंद? ब्रिलियंट,
सम अदर लेवल ऑफ राइटिंग. मैं अगर ये बात दावे से कहूँ, और काफ़ी हद तक कुमार भी, तो ये दो लोग ऐसे हैं जो अपनी तरह के गाने इतनी सच्चाई से लिखते हैं. मैं कुछ दिनों पहले मैंने अमिताभ को फ़ोन किया, मैंने धड़क फिल्म देख रहा था मैं, और उसमें सोचें आप कि फिल्मी शायरी के फ्रेमवर्क में आप इस तरह की बात कह जाएं तो ताज्जुब ही है. और क्या नयापन है. इसमें एक लाइन थी, प्यार से थामना डोर बारीक है, सात जन्मों की ये पहली तारीख है. तो फर्स्ट डेट को इससे अच्छा आप कैसे लिख सकते हैं कि सात जन्मों की ये पहली तारीख. तो दैट इज हिम. मुझे अमिताभ के गाने बहुत पसंद हैं. मतलब मैं समझता हूँ कि अगर मैं काफ़ी ज़माने बाद अगर मुझे कभी कैफी साहब नहीं सुनने होते, मुझे साहिर नहीं सुनने होते, मुझे शैले नहीं सुनने होते, मैं अमिताभ भट्टाचार्य सुनता हूँ. बट एक दूसरी चीज शायद आप अटैच भी नहीं होते होंगे. बहुत सारे कोई लेखक अपनी राइटिंग से बहुत अटैच हो जाते हैं, चेंज नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए एक कॉम्प्रोमाइज़ लग जाता है. अटैचमेंट किस चीज़ का? अटैचमेंट अगर है ना तो घर में बैठ के किताबें लिखो अपनी, किसने मना किया है. अब अगर एक ऐसे कमर्शियल मीडियम में आते हो कि जहाँ आपको एक फिल्म के 25 लाख भी चाहिए, तो फिर क्या अटैचमेंट? फिर तो प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गैलरी. हर कोई सियासत के गलियारे में एक रंग छोड़ना चाहता है. बॉलीवुड की जो रहगुजर है वो पार्लियामेंट पे जाके जरूर रुकती है, ऐसा कुछ है? हाँ, आपने क्या पूछा? आपको पॉलिटिक्स में आना नहीं पूछा ना? यही पूछा है. अच्छा, क्योंकि बहुत मेरी एक रुबाई थी कहीं, मुझे पहली लाइन तो याद नहीं आ रही. दूसरी ये थी कि कफन में दाग निकला तो कफन भी हम ना पहनेंगे, बिना कपड़ों के मर जाना हमें मंजूर है, लेकिन सियासत हम तेरे ये रेशमी परचम ना पहनेंगे. क्या बात है. मैं एक चीज के लिए और अक्सर ये अपील करता रहता हूँ कि वो जो आप सेंसर सर्टिफिकेट है वो हिंदी / उर्दू लिख दें तो और बढ़िया है, क्योंकि खाली हिंदी तो होती नहीं है कभी आपकी फिल्म में. बिल्कुल पॉइंट. तो इट इज बेसिकली हिंदी उर्दू. जिस दिन खाली हिंदी में फिल्में बनेंगी ना, बहुत से लोगों के कानों को रास. अरे आप चाय नहीं मांग सकते खाली हिंदी में? आप चाय मांग के देखें, एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त उष्ण पेय प्रदान किया जाए, ये चाय है हिंदी में. अच्छा, चाय बंद. पर्शियन में अगर आप मांगे, चलिए अगर आप उर्दू में खालिस पर्शियन वाली जो उर्दू है उसमें जाएं तो क्या बोलेंगे आप? एक लवरेज तपिश प्याला ये बर्गे बर्तानिया पेश किया जाए. बाप रे, अरे चाय मांगो ना. तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री चाय है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज चाय, इसलिए हिंदी / उर्दू. आखिरी सेक्शन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, इसे कहते हैं मिथ ब्रेकर सेक्शन. जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आपको पूछा गया है कभी लाइफ में, क्योंकि आप शायर रहे हैं तो आपके दोस्तों ने कभी ऐसा ये सारी चीजें पूछी कि नहीं? फर्स्ट आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, यार तू शायर है मतलब तू पूरी रात जागता होगा. बोला होगा कि सच है? चांस ही नहीं है. मैं 8 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, 10 बजे मैं सो जाता हूँ, 10 o'clock. मैं कभी किसी पार्टी में नहीं जाता, मैंने शायद ही कभी अल्कोहल को हाथ लगाया हो, मैं स्मोक भी नहीं करता हूँ. मुझे लगता नहीं कि अमिताभ भी ऐसा ही होगा. वो मैं बहुतों को जानता हूँ. इट इज नॉट, इट जस्ट समथिंग जो एक बना के रखा है आपने, ऐसा कुछ भी नहीं होता. स्टीरियोटाइप तो हमेशा ही गलत होता है. आपको किसी ने ऐसा बोला कि यार तू शायर है मतलब तेरे पास दर्द बहुत है, तू बहुत दुखी है? दर्द तो है, बात सही है, अगर बोला भी है और सच भी है. तो ये सच है. खंजर किसी पे भी चले, तड़पते हैं हम अनीस, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है. वो सिर्फ मेरा अपना दर्द नहीं है, वो आपका भी है, आपका भी है, कहीं का भी है. सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता तो हमारी ताकत भी है, कमजोरी भी है. राइटर्स लिखने के लिए समय होना चाहिए. अरे ये बिल्कुल नहीं मिलता आपको समय और स्पेस. अब आपको ऐसी मीटिंग्स होती हैं, यहाँ डायरेक्टर बैठा है, यहाँ कभी कभी एक्टर भी होता है, यहाँ म्यूज़िक डायरेक्टर बैठा है, यहाँ म्यूज़िक कंपनी का मालिक बैठा है, 6 लोग होते हैं, सिचुएशन आपको सुनाई जाती है, सर कुछ सोचो ना आधे घंटे में. तो अब ये आधे घंटे में गाने बनते हैं और अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं खराब बनते हैं. नाउ दैट इज़ द चैलेंज दैट यू टू फेस व्हेन यू आर राइटिंग फॉर अ विजुअल मीडियम. तो आपको एक बात का तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपके गाने, कोई गाने वाला है पर्दे पर, उस पर्दे के कैरेक्टर की एक शख्सियत है, तो आप उसको उसकी पर्सोना से अलग गाने नहीं दे सकते. सो ऑल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. क्योंकि पहले की फिल्मों में क्या था, इससे तो हम अच्छे हुए. खैर, पहले भले हीरो रिक्शे वाला हो या कुली नंबर बनो, जब गाना आता है तो अचानक शायर हो जाता है, फिर बड़ी गहरी गहरी बातें गाता है. तो अब हमारे यहाँ ये थोड़ा सा बेहतर है कि अब हम कैरेक्टर के साथ रह के गाने लिखते हैं. तो आप ऐसा नहीं कि पहाड़ों में जाके आपको गाने लिख रहे हैं? अरे पहाड़ ब्रीफ मिलने के बाद पहाड़ गए, हाँ, फिर थोड़ा एक विस्की लिया, फिर तो हम पहाड़ पे ही रहेंगे हमेशा. मेरे साथ भी ऐसा था. मैं अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ. मतलब मुझे कोई बोले बैठ के लिखो तो नहीं होता है. आप मिर्ची स्क्रिबल पे
इस लम्हा क्या कहना चाहेंगे, उसके लिए कुछ खास बोलें? मिर्ची स्क्रिबल के लिए, मिर्ची स्क्रिबल एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, मैं तो देख रहा हूँ, और मिर्ची स्क्रिबल को तो मैं कम से कम बाकायदा फॉलो करता हूँ इंस्टा पे भी और हर जगह। अच्छे शायर आते हैं, फिल्टर अच्छा है आपका, जिन लोगों को आप चुन के लाते हैं उनमें कुछ बात होती है। ये हो सकता है कि कभी कभी उनका रदीफ काफ़िया दुरुस्त ना हो, पर जो बात कहते हैं उसमें एक शाइस्तगी होती है, एक क्लास होता है, एक लेवल होता है बात का। तो मिर्ची स्क्रिबल पे ऐसे ही तमाम लोग आते रहें। मिर्ची स्क्रिबल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ऐसे पॉडकास्ट देखते रहिए, और हमारा बजट बढ़ाइए, और मनोज मुंतशिर को ज़रूर फॉलो कीजिए, और जहाँ कहीं भी ये खता करें हमें जरूर फोन करके या ट्वीट करके बताएं। देखिए हैशटैग प्रमोशन हम भी बोली देते हैं कि मुझे फॉलो करें आप ट्विटर पे @ मनोज मुंतशिर, यही इंस्टा पे भी है मनोज मुंतशिर, फेसबुक पे भी है मनोज मुंतशिर, यूट्यूब पे भी है मनोज मुंतशिर, कहीं कुछ अलग नहीं है, हर जगह MANOJ MUNTASHIR। और प्लीज फॉलो, और यहाँ बैठे सभी लोगों से ज्यादा हम इन्हें जानते हैं, क्योंकि हम भी बड़े शान से कह सकते हैं हमने एक रेलगाड़ी का सफर साथ किया है। यस, कितने साल पहले की बात है? 15-17 साल होगा। इनको शेर लगाइए, मुझे लगा मेटाफर था, सच्ची नहीं, लेकिन मेटाफर भी अच्छा है। अच्छा, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से। ये पोएट का, ये पोएट की बहुत अच्छा लगा मनोज आपसे बातें करके, एंड अगली बार फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, बहुत मजा आया, एंड यू ऑल आर अ वंडरफुल बंच ऑफ पीपल। खुश रहें, आबाद रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, सुनाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।